नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस 2822 की जो आईसी होती है, इससे एक बहुत ही कमाल का एम्पलीफायर बना के देखेंगे। तो ये 8 पिन आईसी है, इसीलिए यहाँ पे हमको 8 पिन आईसी बेस की ज़रूरत पड़ रही है। ये बहुत ही यूज़ का होता है, आप इससे अपनी आईसी चेंज कर सकते हो ईजिली। यहाँ पर 4 कैपेसिटर हैं जो कि 16 वोल्टेज और 100 UF के हैं, और एक कैपेसिटर 16 वोल्टेज 470 UF का है। और यहाँ पर 2 PF हैं जो कि ऑडियो फिल्टर के काम में लगाई जाएंगी। इस तरह अपने कंपोनेंट हो गए। और एक ये PCB है, आप कोई भी PCB ले सकते हो। तो ये फ्रेंड्स इसका सर्किट डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से। ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है और इस पर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपनी जो 8 पिन आईसी को लगा लूँगा और एक एक करके अपने जितने भी कॉम्पोनेंट हैं सभी को लगा लूँगा। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम सभी ग्रुप का या पेज या अकाउंट में सभी का मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारे यहाँ पे लगा लिए। इसके बाद आपको इसको सोल्डिंग करनी है अच्छी तरीके से, और सोल्डिंग करते समय ध्यान रखना है कि कोई पिन एक दूसरे से टच ना हो। एक एक करके आपको अच्छी तरीके से सोल्डिंग करनी है इस तरीके से। और मैं अपनी सारी सोल्डिंग कम्प्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी जो सोल्डिंग है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, जैसा मैंने सर्किट डायग्राम में दिखाया। एक ये मेरे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल को मैं रिवर्सेबल टेप की मदद से 3.7 वोल्टेज की बैटरी पे लगा लूँगा, जो कि 3.7 वोल्टेज से ऑपरेट होगा, क्योंकि ये 7 या 12 वोल्टेज पर ये ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बैटरी लगा रहा हूँ। तो अपना जो ब्लूटूथ है उसका नेगेटिव, इस पर सब लिखे रहते हैं, नेगेटिव लेफ्ट, नेगेटिव पॉजिटिव लेफ्ट राइट, सब इस पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 3 वायर ऑल ले लिए हैं जो कि ऑडियो का ऑडियो पहुंचाएंगे हमारे एम्पलीफायर बोर्ड में इस मॉड्यूल से। तो 3 वायर लिए, इसमें येलो वायर आपका ग्राउंड है और ऑरेंज और ग्रीन इसके लेफ्ट राइट हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कनेक्शन कर लेता हूँ ऑडियो इन के लिए। पिन नंबर 7 और 6 पे आपको इसकी ऑडियो इन करानी है, और जो इसका येलो वायर है वो ग्राउंड में डायरेक्ट लगाना है। स्पीकर का जो वायर है, मैंने एक वायर जो पिन नंबर 1 के साथ जो कैपेसिटर है उस पर, और एक वायर दूसरे स्पीकर का पिन नंबर 3 के साथ कैपेसिटर है उस पर, और दोनों स्पीकर का एक एक वायर जो बचा हुआ है वो मैंने ग्राउंड कर दिया। यहाँ पे मैं इस तरह की क्लिप लेके इसको भी कनेक्ट कर लूँगा। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 पे इसको कनेक्ट कर लूँगा। पिन नंबर 2 पॉजिटिव है। सवाल है, फाइनली सारे कनेक्शन हो चुके हैं, और जो अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये मैंने इससे बिल्कुल लगा दिया है, और कोई एक्स्ट्रा वायर बाहर से नहीं आ रहा, और अपना जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो इससे कनेक्ट भी हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कनेक्ट ब्लूटूथ। ठीक है, तो अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको बैटरी लेनी है, और कोई भी बैटरी हो तो मैं यहाँ पे 7 वोल्टेज की बैटरी से इसको ऑपरेट करूँगा। तो ये मैंने 7 वोल्टेज की बैटरी के साथ इससे मैं कनेक्ट कर लूँगा। तो अपना ये इससे साउंड आने लगी, और अपना एक NCS प्ले करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक NCS प्ले कर लूँगा, तो आप सुन सकते हो फ्रेंड्स इसकी आवाज़। तो फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ एकदम अच्छी तरीके से आ रही है, आपको सुना दूँ एकदम अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर की आवाज़ आप सुन सकते हो, ये डबल चैनल का एम्पलीफायर है, और कितनी तेज़ इसकी साउंड है आपको फुल करके दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, आपने इसकी आवाज़ सुनी ली कितनी तेज़ इसकी आवाज़ थी। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप इससे बड़े स्पीकर लगाओगे तो आपको और अच्छी साउंड सुनने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।